और दोस्तों वेलकम टू अमित ब्लॉग स्टाइल में आप सब लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आज ही का डेट में आप लोग का आज डेट का बात करें तो आप लोग का 22 अगस्त है और उत्पाद सिपाही का दोस्तों आज ही से रनिंग चालू हुआ था, जो कि आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब होगा रनिंग। तो फाइनली आज से रनिंग हुआ और भाई लोग रनिंग भी कर लिए और क्वालिफाई किए हैं। तो पूछते हैं कि क्या टाइमिंग लगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा, कितना बजे एंट्री किए थे और क्या क्या प्रोसेस हुआ अंदर पे, रनिंग के बाद में कुछ मिल रहा है, क्या कागज वगैरह, सारा कुछ आपको यहाँ पर बताया जाएगा। इस वीडियो का लास्ट तक पूरा बने रहेगा तो आपको पूरा डिटेल के साथ मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले जय हिंद सब लोगों को। जय हिंद। मेरा नाम है सूरज प्रजो। और सबसे पहले हम लोग सुबह आए थे तो ऐसे धीरे धीरे लेट हो गया, जब घुसते घुसते 5 बजे रिपोर्टिंग टाइम बोल के। एक चीज़ बताइए कि रिपोर्टिंग जो टाइमिंग था सुबह वो 5 बजे तक लास्ट था, तो उसके बाद फिर घुसने दे रहा था किसी को? घुसने दे रहा था ना। मतलब रिपोर्टिंग का टाइम आप घुस सकते हो ना। और एक चीज बताइएगा, कितना बैच वगैरह तो नहीं बनाया जा रहा था ना? बैच वगैरह नहीं। किस टाइप से रनिंग का प्रोसेस हुआ, आप जैसे एंट्री किए, एंट्री के बाद आपको जैसे लाइन लगे उसके बाद आपको क्या क्या प्रोसेस हुआ अंदर पे? सबसे पहले हम लोग को चेस्ट नंबर दिया गया, उसके बाद फिर हम लोग को टिक लगाया गया, बायोमेट्रिक आपका हैंड से ना, अंगूठा से आप लोग बायोमेट्रिक का आप लोग का हुआ। और आइडेंटिटी प्रूफ में क्या क्या मांग रहा था? बस जो आधार कार्ड मेरे पास तो था, आधार कार्ड हम दिए। ऐसा कोई मांग रहा क्या एनएसडी का, जाति आवासीय कुछ नहीं? चेक भी नहीं करो, सिर्फ एक आईडी प्रूफ चाहिए और एडमिट कार्ड का चेक करो। तो देखिए आप लोग ज्यादा जो घबरा रहे थे कि भैया डॉक्यूमेंट्स में क्या लगेगा, जाति आवासीय वगैरह वगैरह बहुत कुछ आप लोग बोल रहे थे। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स आप लोग नॉर्मल एक आइडेंटिटी प्रूफ आपका कोई भी ना, कोई आधार कार्ड या पैन कार्ड, वोटर कार्ड कोई भी, हाँ पैसा एक कोई भी एक चलेगा बस, और आपको एडमिट कार्ड बस, बस इसके अलावा और कुछ नहीं? कुछ नहीं। उसके बाद जैसे आप ये सब वेरिफिकेशन करवा लिया, एक ही जगह वेरिफिकेशन हुआ या दो तीन जगह में? एक ही जगह में वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद आप लोग रनिंग मतलब चिप वगैरह लगाया गया ना? दोनों पैर में दोनों को चिप लगाया गया। जो एक चीज बताइए, आप लोग का बहुत ज्यादा कमेंट आया कि भैया चिप पैर में भी लग रहा है या चेस्ट में भी लग रहा है, तो आपको सारा आपको बता देगा। चिप का जो सिस्टम है वो कहाँ पर लग रहा है? पैर में लग रहा है, पैर में। मतलब किस टाइप से चिप है वो? बेल्ट से सेंसर काम करता है क्या बताइएगा? बारकोड जैसा है, छोटा सा घड़ी जैसे पहनते ना उस टाइप का है, बारकोड जैसा मतलब था ना। तो उसमें मतलब जैसे आप पार हो रहे तो आवाज कर रहे थे, जितना बार जाइएगा उतना आवाज देगा। जैसे वहाँ पे नीचे एक सीट लगा हुआ है, मैट लगा हुआ है, मैट जैसा ब्लैक जैसा बिछा हुआ है, आवाज जो पार हो जाएगा तो आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग टाइमिंग कितना लगा लगभग रनिंग का? एक घंटा ही पूरे आपका 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 भी हुआ ना? नहीं, मेरा नहीं निकले, नहीं भैया का नहीं निकला, तो मतलब बीच में रुके थे आप ना, इसीलिए सारे, नहीं तो नहीं रुकते तो लगभग बात मेरा कंटिन्यू रनिंग हो गया था, लेकिन चौथा राउंड में ही फसल रुक गया। चौथा राउंड में आप रुक गए होंगे? एकदम रुक गए, एकदम रुक गए थे। देखिए आपको एक चीज बता देते कि आपको ज्यादा पेशेंस नहीं, पेशेंस आपको एक चीज है कि बस स्टेप बाय स्टेप अगर आप रनिंग कर लिए तो आराम से पार हो जाएगा क्या भैया? आराम से हो जाएगा। भैया का भी देखिए अनुभव है, भैया आपको बताएंगे भी। देखिए अपना गलती खुद ही बोल रहे हैं कि हाँ रुक नहीं जाते तो आराम से, मतलब तीन बार एक बार गए थे फिर आए, फिर गए थे फिर से आने का टाइम में, मतलब टाइम में ही रुक गए थे। हाँ नहीं हो पाया ना, नहीं हो पाया। मतलब जो आने वाला कैंडिडेट है उसको ट्रैक में किस तरह से रनिंग करने के लिए कितना स्पीड में चाल रखे तो सही रहेगा? एकदम नॉर्मली ही चल रहा है। नॉर्मली दौड़िया ना, खाली रुकना नहीं है, बस खाली दौड़ते रहना है, पैदल भी नहीं चलना है। ट्रैक तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई ट्रैक तो पूरा खाली है, प्लेन है ना, 2.5 किलोमीटर का आपका मतलब 2.5 किलोमीटर। घड़ी वगैरह पहनने दे रहा? हाँ घड़ी कोई भी पहन सकते। तो देखिए आप लोग बता दे रहे, आप लोग नहीं पहन दे रहा, स्मार्ट वॉच आप लोग नहीं पहन सकते हो, बाकी नॉर्मल आप लोग वॉच पहन सकते हो ना, बहुत डिजिटल वगैरह नहीं पहन सकते, डिजिटल ही पहन सकते खाली, बस स्मार्ट वॉच नहीं, स्मार्ट वॉच नहीं होना चाहिए उसमें। आप लोग का बता दिया गया कि स्मार्ट वॉच नहीं होना चाहिए, बाकी आप लोग ऐसा नॉर्मल वॉच वगैरह भाई पहने हुए तो देखो इस टाइप से घड़ी चलेगा आप लोग का। जूता वगैरह में कुछ यहाँ पर चेक हो रहा था क्या? जूता नहीं, स्पाइक जूता नहीं होना चाहिए आप लोग का, मालूम है। तो आप लोग एडमिट कार्ड में भी आप लोग लिख दिया कि स्पाइक जूता वगैरह नहीं होना चाहिए। बाकी देखिए यहाँ पर ट्रैक वगैरह तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं हुआ, पहले दिन में कोई दिक्कत ऐसा तो कुछ हंगामा वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम आराम से। मतलब देखिए आपको ये भी एक चीज़ आप लोग देख लीजिए, अभी तक कंप्लीट भी हो गया, 12 बजे तक लगभग आप लोग 2000 बच्चे को दौड़ा दिया, मतलब कल आप लोग का समझ लीजिए कि 3-4 बजे तक आप लोग कम्प्लीट हो जाएगा कल भी, कल क्योंकि 6000 बच्चा है ना, इसलिए 2000 बच्चे में लगभग 11 बजे कितना बजे स्टार्ट हो गया था रनिंग? आपको रनिंग 7 बजे से स्टार्ट हो गया, रनिंग 7 बजे से स्टार्ट हो गया। लगभग कितना बच्चा पास कर रहा है? दो हजार में जो आज रनिंग आप लोग का अंदाज लगता है कि 30-40% हो जा रहा था, इससे ज्यादा हो जा रहा है। मतलब रुकना नहीं, मेन बात है रुकेगा तो नहीं ले सकेगा,
मेन बात है कि आपको स्टेप बाय स्टेप आपका ऐसा ग्राउंड में कितना लगता था टाइमिंग? ग्राउंड में लगता था ज़्यादा, पर रोड में दौड़े तो थोड़ा कम लगा। ग्राउंड में कितना? 3 में कंप्लीट हो गया। कितनी में वहाँ पर बता दिया गया ऐसे कितना मिनट में लगा टाइमिंग? टाइमिंग होता है तो मतलब जैसे उधर से उधर कंप्लीट कर लिया आप चाह रहा हूँ, उसके बाद आपको चीट जमा ले रहे हैं ना? चीट खोल दिया, उसके बाद कितना देर के बाद आपको रिजल्ट बता रहा है? प्रिंट आएगा उसके बाद लिस्ट जाएगा, उसके बाद आधा घंटा एक घंटा वेट करना पड़ेगा। इतना लोगों को सबको वेट करना पड़ रहा ना, सबको फिर बुलाएगा, फिर अपना नाम बुलाएगा, केस नंबर बुलाएगा, फिर तो एक चीज बताइएगा भाई कि रास्ता में पानी वगैरह की कोई व्यवस्था? पानी व्यवस्था भी है हर जगह में, और हर जगह कैमरा भी लगा हुआ है। और देखिए आपको एक चीज बताते रहे, हर जगह कैमरा भी लगा हुआ, और आप लोग का एक कमेंट आया कि भैया रास्ता में कहीं पर पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा? पानी का व्यवस्था पूरा सब जगह आप जैसे जमीन में घुमा सकते हैं। पानी का व्यवस्था मतलब फुल अच्छा बढ़िया था, शुरू में था, बाद में नहीं थी। स्टार्टिंग में कोल्ड ड्रिंक वगैरह का भी व्यवस्था है, समझ लीजिए। और क्या चाहिए बताइए। और गर्ल्स का रनिंग कितना बजे हो गया? गर्ल्स का सुबह जल्दी हो गया, 6:30 बजे। गर्ल्स में कितना पास हुआ होगा? लगभग पास हो ही जा रहा है, पास हो जा रहा है गर्ल्स का भी, लगभग पास हो ही जा रहा है, समझ लो। भाई लोग का अभी यही अपडेट दे रहा, और मैं अभी देख लो अभी स्मार्ट सिटी में ही हुआ, यहाँ पर अभी बारिश भी हो रहा, कल का मौसम क्या रहेगा, लेकिन आज तो धूप में रनिंग हुआ आप लोग, धूप में रनिंग हुआ भाई, सबका हालत भी खराब हो गया, समझ सकते हो। बट देखिए अब आप लोग का भाई पे डिपेंड करता है क्या रहेगा, किस टाइप से रहेगा, बाकी तो देखिए कल का मौसम क्या रहेगा। धुरवा धुरवा का कोई दिक्कत नहीं, स्मार्ट सिटी में कोई दिक्कत नहीं भाई, बिल्कुल स्मार्ट जैसे आपको लग रहा है यहाँ। तो बाकी देखिए कल का भी अपडेट आप लोगों को मिलते रहेगा, और आज का यही अपडेट है कि बच्चा लगभग पास हो ही जा रहा, और आपने अगर हिम्मत रखना, मेन बात है पेशेंस ना, हिम्मत रखना है। अब मतलब क्या हो गया था आपको बीच में अचानक से, किस स्टेप तक को लगने लगा आप नहीं हो पाएगा? नहीं, हमको लगा कि हो जाएगा, हमको क्या कि 20 मिनट में हम 5 किलोमीटर कर लिए थे, 7:30 भी हो गया मेरा, बस या 10 मिनट बचा हुआ था, हमको लगा हो जाएगा। लेकिन जब कितना दूर में आपको छोड़ दिया? 1 किलोमीटर में 7:30 में मेरा कम्प्लीट हो गया था कि 10 मिनट बचा हुआ हम कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, इसके बाद लगने लगा कि आराम से हो जाता तो 10 मिनट में हो जाता, कि हमको थोड़ा सा अंदर से उल्टी टाइप लगने लगा, वोमिटिंग, मतलब आप तब सोचिए कि आप हमको रुक जाना चाहिए। देखिए आपको ज़्यादा जान प्राण गंवाना नहीं, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होगा तब आपको नहीं छोड़ना, तब आपको छोड़ देना। बाकी देखिए नॉर्मल आपका घर में अगर आप बनाएं, जो प्रैक्टिस किया तो उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, नॉर्मल चलना भैया, कैसे एकदम नॉर्मल किस टाइप से एकदम नॉर्मल एकदम घुमाता में भी हो जाए, ऊपर से डाउन भी है एक दो जगह डाउन मिला है, डाउन तो जाते टाइम है आने टाइम थोड़ा उठा है, दोनों टाइम है, दोनों टाइम सेम सेम ही है ना, दोनों टाइम थोड़ा डाउन है, फिर उसको उठा हुआ है, फिर आने टाइम भी डाउन है उठा हुआ है। तो दोस्तों आज का यही अपडेट है कि बस आप लोग ज़्यादा घबराना नहीं, आराम से स्टेप बाय, और ऐसा कोई बैच नहीं बनाया जा रहा कि आपको 500 का बैच, 1000 का बैच, कोई ऐसा बैच नहीं बनाया जा रहा। तो बाकी देखिए जो भी अपडेट आएगा और भी आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे, डॉक्यूमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा आप लोग का, वेरीफाई होते जा रहा है, और वेरीफाई करने के बाद डायरेक्ट रनिंग करवाते जा रहा है, आपका 4 राउंड कंप्लीट हो जाएगा, बाद आपको यहाँ पर जमा लिया जाएगा, उसके बाद आपको 5-1/2 घंटा लगभग रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बाकी चलिए जो भी अपडेट आएगा, अभी देखिए यहाँ पर पूरा बारिश अभी हो रहा है इधर इस साइड में, पास हो जाएगा। टेस्ट में किस टाइप से मेजरमेंट हो रहा है? टेस्ट मेजरमेंट किस टाइप से हो रहा है? एक टाइप मतलब जो आर्मी में नापता है ना नीचे से, बिल्कुल यहाँ ऊपर से नाप रहा है, मैं सही हो रहा है ना? सही हो रहा है। तो नॉर्मल फुलाने नहीं पड़ रहा, फुलाना भी नहीं पड़ रहा, मैं 80 होना चाहिए ना, 81 79 सत्ता हो जाएगा लगभग। SC ST का अलग था आपका? SC ST का 79। चलिए बाकी तो भाई को कॉन्ग्रेचुलेसन आगे के लिए, आप तैयारी पे लगे रहिए, अब कब तक एग्जाम होगा तो वो अपडेट मिल ही जाएगा। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, सभी लोग को जय हिंद, और आप सभी लोग को जोहार।